नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पर्यटकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब हिमाचल में घूमना होगा सस्ता। सरकार ला रही है नया नियम। बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश आने वाले व्यवसायिक वाहनों पर लगाए गए टैक्स को कम करने की तैयारी शुरू हो गई। परिवहन विभाग ने इसके लिए खाका तैयार कर लिया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ होने वाली बैठक में इसे अंतिम रूप देकर सूचना जारी की जाएगी। ये बैठक 27 अक्टूबर को राज्य सचिवालय में होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से पंजाब के ऑपरेटर मिले थे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मनाली की हवा सबसे साफ, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट। एक तरफ जहां देश की राजधानी दिल्ली की हवाओं में लगातार जहर घुल चुका है, वहीं हिमाचल प्रदेश की वादियों की हवा सबसे स्वच्छ है। विश्व भर में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हिमाचल प्रदेश का वातावरण सबसे सुरक्षित भी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मनाली की हवा सबसे साफ और सुरक्षित है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक मनाली में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 6 जबकि कुल्लू का AQI 7 है। एक तरफ जहां देश के कई बड़े शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 को पार कर चुका है, वहीं हिमाचल प्रदेश की हवा सबसे साफ है। ट्रिब्यूनल में कितने बेंच, पहले होगा फैसला। केंद्रीय मंत्रालय ने हिमाचल सरकार से मांगा ड्राफ्ट। हिमाचल सरकार बेशक प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को फिर से खोलने जा रही है, लेकिन इसकी प्रक्रिया भी उतनी आसान नहीं। राज्य सरकार की तरफ से केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय से एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 के तहत राज्य के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को सुनने के लिए ट्रिब्यूनल के गठन की अनुमति मांगी गई है, लेकिन केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने तीन तरह की औपचारिकताएं पहले पूरी करने को कहा है। हिमाचल हरियाणा की सीमा के साथ लगते सड़कों की होगी मरम्मत। हिमाचल प्रदेश के बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण के CEO ललित जैन ने पंचकुला के उपायुक्त और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर हिमाचल और हरियाणा की सीमा के साथ सड़कों की मरम्मत और शीतलपुर से नवानगर मार्ग पर आ रही अड़चनों पर चर्चा की। दोनों राज्यों के अधिकारियों ने सड़कों को जल्द सुचारू करने का फैसला लिया। शांता कुमार बोले, राज्य सरकार नशे को लेकर कार्रवाई करे। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई ये है कि नई पीढ़ी संस्कार विहीन हो गई है। बच्चे को सबसे पहले परिवार संस्कार देता था, अब बच्चे के हाथ में मोबाइल के कारण माता पिता के पास ना तो बैठने का समय है और ना ही उनसे कुछ सीखने की जरूरत। उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी को परिवार से संस्कार नहीं मिलते और समाज में भयंकर नशे का प्रकोप है। चंबा के एक स्कूल के बाहर नशे में धुत पड़े मुख्य अध्यापक का फोटो लाखों लोगों ने देखा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात पर शोध करेगा केंद्रीय विश्वविद्यालय। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत प्रकाश बंसल ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में ऊर्जा का नया संचार हुआ। जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ सही मायने में जनता तक पहुंचा है। पर्यटन क्षेत्र में विकास हुआ है, नए उद्योग लगे हैं और एक रिपोर्ट के अनुसार इसके बाद से 30,000 लोगों को रोजगार मिला है। हिमाचल अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के दो गुटों में वर्चस्व की लड़ाई। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के दोनों गुटों में सरकार से मान्यता को लेकर वर्चस्व की जंग छिड़ गई। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के ब्लॉक और जिले के चुनाव समाप्त होने के बाद अब शुक्रवार को राज्य कार्यकारिणी के चुनाव होने जा रहे हैं। दूसरे अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने पहले ही राज्य कार्यकारिणी बना दी है। IGMC में भर्ती मुख्यमंत्री की देखभाल के लिए 6 सदस्यीय डॉक्टर्स की टीम गठित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के स्वास्थ्य की जांच के लिए IGMC अस्पताल प्रशासन ने 6 सदस्यीय डॉक्टर्स की टीम गठित की है। मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य देखभाल के लिए गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर ब्रज शर्मा की अध्यक्षता में गठित कमेटी में मेडिसिन विभाग अध्यक्ष डॉक्टर बलवीर, हृदय रोग विभाग के HOD डॉक्टर BC नेगी, सर्जरी के डॉक्टर यके चंदेल, यूरोलॉजी के डॉक्टर पंपोश रैना व रेडियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अनुपम झबोटा शामिल हैं। जनता के बीच सरकार को लेकर अविश्वास का वातावरण, झूठ के दम पर ज्यादा दिन नहीं चलेगी कांग्रेस सरकार।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठ के दम पर प्रदेश की सत्ता में आई थी। कांग्रेस झूठ का सहारा लेकर आगे सरकार चलाना चाहती है। मुख्यमंत्री सुखिंदर सिंह सुक्खू हर रोज नया झूठ बोलते हैं। नाहन में 31 अक्टूबर से होगा हिमाचल लोकोत्सव 2023 का आगाज। 400 से अधिक युवा दिखाएंगे प्रतिभा। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन के ऐतिहासिक चौगान मैदान में हिमाचल लोक उत्सव 2023 का आयोजन 31 अक्टूबर से 7 नवंबर तक किया जा रहा है, जिसमें चार सांस्कृतिक संध्या में 4 से 7 नवंबर तक आयोजित होगी। इन चारों सांस्कृतिक में प्रदेश व जिला सिरमौरी के नामी कलाकार दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। हिमाचल लोक उत्सव के विभिन्न कार्यक्रम में लगभग 400 युवा अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए तैयार हैं। हिमाचल में बाहरी राज्यों से पढ़ाई कर बने शिक्षकों की जांची जाएंगी डिग्रीज व सर्टिफिकेट। बाहरी राज्यों से पढ़ाई कर हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में पढ़ाने वाले टीजीटी, सीएनबी और स्कूल प्रवक्ता न्यू की डिग्रीज और सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी। कुछ शिक्षकों की फर्जी डिग्रीज मिलने के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस बाबत निर्देश जारी कर दिए हैं। जिला शिक्षा उप निदेशकों को अपने स्तर पर जाँच पूरी कर निदेशालय में रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है। गौरवान्वित मनाली की पर्वतारोही कृष्णा ठाकुर ने फतह की स्विट्जरलैंड की ब्राइटन पीक। स्वच्छता को लेकर दिया संदेश। मनाली के पर्वतारोही कृष्णा ठाकुर ने स्विट्जरलैंड की ब्राइटन चोटी को फतह कर देश का नाम रोशन कर दिया। कृष्णा ने 19 सितंबर को ये सफलता पाई। इससे पहले मनाली की ही बेटी और अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग खिलाड़ी आंचल ठाकुर भी इस चोटी पर तिरंगा फहरा चुकी हैं। कृष्णा को बचपन से ही चोटियां फतह करने का शौक है। कृष्णा ने उत्तराखंड के 23,348 फीट ऊंची सतो पंत चोटी को 2008 में फतह किया था। एमटेक छात्र की मौत के बाद एनआईटी के दो हॉस्टल वार्डन हटाए, शिक्षकों को दी जिम्मेवारी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में एमटेक के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में वीरवार को संस्थान की ओर से पहली कार्रवाई की गई। संस्थान प्रमुख ने डीन छात्र कल्याण रजिस्ट्रार और डीन अकादमिक के साथ बैठक के बाद छात्र की मौत और संस्थान परिसर में नशा बरामदगी मामले में दो हॉस्टल वार्डन हटा दिए हैं। क्रिकेट विश्व कप धर्मशाला में न्यूजीलैंड से टक्कर लेने पहुंचे ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाड़ी। न्यूजीलैंड से भिड़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम धर्मशाला पहुंच गई। कप्तान पैट कमिंस की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया की टीम विशेष विमान से 2 बजे गगल हवाई अड्डे पर उतरी। हवाई अड्डे से सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज डेविड वार्नर बाहर आए। हवाई अड्डे पर एचपीसीए के पदाधिकारियों की ओर से खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। मैहतपुर में सरकारी एम्बुलेंस से शराब बरामद, चालक के खिलाफ मामला दर्ज। मैहतपुर बाजार ट्रक यूनियन चौक में शनिवार दोपहर को पुलिस ने क्षेत्रीय अस्पताल ऊना की सरकारी एम्बुलेंस से शराब के साथ बोतलें बरामद की। दर्दनाक हादसा, दधोल कला में पानी की बाल्टी में डूबा 1.5 साल का मासूम बच्चा। बिलासपुर जिले के तहत ग्राम पंचायत दधोल के अंतर्गत आने वाले गाँव दधोल कला के 1.5 साल के बच्चे की डूबने से मौत होने का मामला सामने आया। ये हादसा उस समय पेश आया जब घर के सभी सदस्य अपने रोजमर्रा का कार्य कर रहे थे और बच्चा आंगन में खेल रहा था। तो ये थी हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।